हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम हैं यहाँ वंडरलैंड में। तो बेसिकली ये एक अम्यूज़मेंट और एक्वा पार्क बोल सकते हो, जहाँ पे वाटर राइड्स है और बहुत सारे आपको अम्यूज़मेंट पार्क्स के वाले राइड्स मिल जाएंगे, जो कि एक फन एंड फूड क्रेजी कैसल टाइप जो अम्यूज़मेंट पार्क्स होते हैं उस टाइप में होते हैं। एंड यहाँ हम विज़िट करना है और ये हमारा आखिरी स्पॉट है हैदराबाद का। बाकी सारी चीज़ें हमने जो है विज़िट कर रखी है। एंड देखो तो ये काफ़ी बड़ी जगह है, तो मैं आपको वाटर राइड्स जो है वो नहीं दिखा पाऊँगा अनफॉर्चुनेटली। हालांकि आपको ओवरलुक दे दूँगा, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन्स जो है, अभी हमारा वाटरप्रूफ फ़ोन नहीं है। अगर आप पैसा दे दोगे तो हम ले लेंगे नया फ़ोन, बट अभी पैसा तो नहीं है, इसलिए अभी वाटर राइड में हम फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे, बट अम्यूज़मेंट पार्क में डेफिनेटली यूज़ करेंगे। सो आपको मैं एक ओवरव्यू पीछे से दे दूँगा, बट पीछे आप देख लेना, यहाँ पे बहुत बड़ा व्हील भी मिल जाएगा। सो काफ़ी सारी चीज़ें, और हम भी पहली बार ही आए हैं, तो अभी कवर अप करते हैं क्या प्राइस रहने वाली है टिकट्स की और क्या स्विमिंग कॉस्ट्यूम वगैरह देते हैं, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा मैं। तो वीडियो में मांग रहे उसका, हाँ अलग पैसा मांग रहे बोल रहे हैं बस। तो पहले हम चेकआउट करते हैं, तो आओ यार बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं क्लोथ शॉप पे, जहाँ पे आप कपड़े ले सकते हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम आप चाहे तो बाहर से भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है। और सबसे सही बात यह है कि सबका प्राइस सेम है, यानी कि आपको एक पेयर मिल जाएगा ऊपर का और नीचे का दोनों मिला के 150 रुपीज़ का, चाहे कोई भी साइज़ हो, एम हो, एल हो, या एक्सेल हो, या ट्रिपल एक्सेल हो, या 4XL हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और क्वालिटी भी नायलन की है तो काफ़ी अच्छी है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, काफ़ी बेटर रहेगा बाहर से लेने से अच्छा। और यहाँ पे जो मैम है वो भी काफ़ी अच्छी है दिखने में, सॉरी समझ रहे हो आप। गाइस यहाँ से हमने कपड़े उठा लिए, मैंने प्राइस वगैरह आपको ऑलरेडी बता रखा है, बट फिर भी एक बता दूँ तो ये 150 एक पेयर का है, सारे साइज़ अवेलेबल है और सारे साइज़ के सारे प्राइस सेम है, तो आप बाहर से भी ले सकते हैं, बट ये काफ़ी बेहतर क्वालिटी के। तो अब हमने ले लिया है ये ड्रेस, अब हम जाएंगे सिक्योरिटी वाले बॉक्स में, जाके लॉकर है वहाँ पे अपने कपड़े चेंज करेंगे और फिर स्विमिंग पूल में जाएंगे। जैसे लॉकर्स अवेलेबल है, फोर 490 देखना कैसे। तो ऐसे लॉकर्स अवेलेबल है सारों के लिए, आपको प्राइस देनी पड़ेगी, कुछ रिफंडेबल अमाउंट है कुछ नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग अपना लॉकर ढूंढ रहे हैं, जहाँ पे हमें अपने क्लोथ्स चेंज करने और अपना सामान रखना है। यहाँ पे 4490 देखना पड़ेगा, ये दिखाएगा कैसे करना। आपको एक बेस्ट वॉच मिलती है, वॉच से वो ओपन होगा, अभी हो चुका है, अभी एक बार लगाना पड़ेगा वापस। प्रॉपर नहीं हुआ। स्कैन नहीं हो रहा, अन्ना दो हुआ। तो दूसरे इसमें नहीं लगता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ये रहा हमारा लॉकर 4490, यहाँ पे ये बेल्ट लगाएगा, इसने अभी कर दिया स्कैन, अब ये खुल जाएगा, ये हम अपने क्लोथ्स वगैरह अपना सामान रख सकते हैं इसमें, तब हम अपना सामान रख लेंगे। तो यहाँ पे बैग वगैरह है हमारे पास में, तो ये बैग वगैरह रख लेते हैं, बैग के अंदर ही फ़ोन रख दे, या सामान हम रख लेते हैं। अब फ़ोन वोन भी अलाउ नहीं कर सकते बिकॉज पानी है, तो अभी के लिए लेके जाना है। हाँ अभी के लिए मैं एक बार आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। 2 hours later बज रहे हैं शाम के 5, एंड प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मैंने, हमको फ़ोन अलाउड नहीं था, तो हम लोग वहाँ पर ले जा सके थे, बट अभी हमने सारे वाटर राइड्स कर दी और 50% हमने नॉर्मल राइड्स जो थी अम्यूज़मेंट वाली वो कर ली है। तो काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अब मैं शायद फ़ोन को लेके जा सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको दिखा दूँ कि चीज़ें काम कैसे करती है। हालांकि 50% या 40% यहाँ की चीज़ें बंद है, बट उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो अवेलेबल है वो बहुत प्रीमियम है और काफ़ी कम जगह आपको देखने को मिलेगी। जो फर्स्ट ऑफ ऑल इस जो वंडरला है, वंडरलैंड नहीं है, वंडरला है, तो वंडरला में आपको 3 ब्रांचेस है, एक हैदराबाद में, एक कोची में है और एक बैंगलोर में है, तम भी हैदराबाद वाले में। आप एंट्री करोगे तो आपको इस तरह का चीज़ें देखने को मिलेगी, मैं आपको बैक साइड से दिखाता हूँ। ये है एंट्री गेट, जब से पहले आप लॉकर रूम से निकलोगे तो आपको ऐसी एंट्री मिलेगी। सबसे पहले आपको साइड में ये मिलेगा एक वाटर राइड, जो कि अंडर मेंटेनेंस है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 40% चीज़ें काम नहीं करती, ये उनमें से एक है जो काम नहीं करती। और ये जो वर्क है ये वर्किंग कंडीशन वाला है, यहाँ पर आप जा सकते। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे कुछ राइड्स देखने को मिल जाते हैं आपको, जहाँ पे हमने सारे विज़िट किए थे, सारे राइड्स चालू है।
बट कुछ कुछ राइड्स लाइक रोलर कोस्टर वगैरह वो सब वर्क नहीं करता। तो ये काफ़ी सारा ओपन स्पेस है, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, देख सकते क्लोज है, ज़्यादा कुछ नहीं है करने के लिए, बट जो है वो आप इंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ राइड मिल जाती है, तो जैसे कि देख सकते हैं आप फैमिली के साथ, यानी कि चार लोगों का ग्रुप, तीन लोगों के ग्रुप में भी आप आ सकते हैं यहाँ पे। एंड अभी कोई उतरेगा तो मैं बताऊँगा आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं ये राइड, तो इनमें आपको दो वैरायटी मिल जाती है, एक ज़्यादा कर्व है और एक सीधा डाउन आ रहा है। इसका नाम है अप हिल रेसर और यह है फन रेसर। तो दो चीज़ें मिल जाती है। सीधा देखेंगे तो आपको एक नॉर्मल रोड मिलेगा जहाँ पे वेव वगैरह आती है, वो सारी चीज़ें, और इस साइड में आपको और वेव फॉल मिलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ऊपर में एक व्हील है जो कि काफ़ी ऊंचा है, और आप एक वॉल पे एक वॉच भी है, तो वॉच है वहाँ पे, एक बहुत बड़ी व्हील है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा जब वो घूमेगी, तो हमें वहाँ जाने का बहुत मन है। ये है मिशन इंटरस्टेलर बता रहा है, तो हम वहाँ भी जाना चाहिए हमें, तो हम वहाँ जाएंगे अभी, वहाँ विज़िट करने गए हम लोग। एंड अभी यहाँ पे आपको और यहाँ पे रेस्टोरेंट मिल जाएगा, बेसिकली ये है रेन डिस्को। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको लेके नहीं जा सकता हूँ, बिकॉज रेन डिस्को में क्या है, इतना सारा शावर का वाटर आता है कि पानी में फ़ोन मेरा प्रॉब्लम दे जाएगा, तो मैं वो रिस्क नहीं ले सकता हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। बट डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हैं, इनका कुछ टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग पर आपको जाना पड़ेगा। और दिखाऊंगा तो यहाँ पे आपको और राइड्स मिल जाएगी, लोग टनल टाइप भी मिल जाती है, तो मुश्किल से आपको 6 से 7 राइड्स मिल जाएगी जिसमें आप जो है इंजॉय कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ भी। कुछ राइड्स में आपको 2 से 3 बंदे रहेंगे, कुछ राइड्स सिंगल्स भी है। तो गाइज ये है रिवर पुल, जहाँ से पानी आता है और हमें ऐसा रोटेट होता है, काफ़ी कॉमन चीज़ है, लेकिन कमी यहाँ होता है, अब यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये सही चीज़ है। ये भी एक है जहाँ पे अंडरग्राउंड होल से आप बाहर निकलते हैं, तो ये भी सही चीज़ है। और ये रहा हमारा वेव पार्क, इनमें भी 2 है, एक बहुत डीप है जो कि क्लोज है, और ये वाला जो चालू है। यहाँ पे भी आपको ट्यूब वाला वेरिएंट मिल जाएगा, जहाँ पे आपको जो रिवर है, रिवर में ट्यूब में बिठा दिया जाएगा और वहाँ पे आप जा सकते हैं, ये भी बहुत सही चीज़ है। और ये रहा हमारा रोलर कोस्टर, हालांकि वो बंद है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, अब बंद है तो हमारा नसीब ख़राब है। वेव वाले एरिया में वेव पूल है ये, और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। नो क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बने। पल पल में ना खारा देखावे गोरिया, पल पल में ना खारा देखावे गोरिया, हमरा के चुतिया बनावे गोरिया।